So hello everyone, you know who I am? All controversies are in me and I am in all controversies. I am the source of the sources, the supreme source of controversies. Twitter. अब कैसा है ना, लोग मुझे दो चीजों के लिए यूज करते हैं. एक, अपने थॉट्स पब्लिकली एक्सप्रेस करके गाली खाने के लिए, और दूसरा न्यूज पढ़ने के लिए. अब कैसा है ना, दुनिया में कुछ भी होता है ना, तो उसकी न्यूज सबसे पहले मुझ पे आती है, फिर टीवी चैनल्स वाले मुझ पे न्यूज पढ़ के अपने चैनल पे न्यूज दिखा देते हैं. लेकिन इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो न्यूज डायरेक्टली मुझ पे पढ़ना प्रेफर करते हैं. पता है क्यों? अब कैसा है ना कि ये टीवी न्यूज चैनल्स वाले जो होते हैं ना, इनके पास एक चीज होती है जो मेरे पास नहीं होती, सेंसरशिप. वो न्यूज के नीचे के रिप्लाई पढ़ो कभी, पता चलेगा शशि थरूर से लेकर अनुराग कश्यप, इतने सारे वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में न्यूज अवेलेबल होता है उस पे. जो लोग टीवी पे न्यूज देखते हैं ना, उनको आइडिया भी नहीं होता गालियों में कितनी वोकैबुलरी होती है. तो अभी यार लेकिन कुछ भी बोलो, वो तो मैं एक सोशल मीडिया ऐप, और जब आप एक सोशल मीडिया ऐप होते हो ना, तब आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड होना होता है. और अभी इसी अपग्रेड के चक्कर में ना, मुझे वो टिकटॉकर वाली आदत लग गई थी. मैं ना वो ट्रेंड्स कॉपी करने लग गया था, मीडिया शेयरिंग, स्टोरीज, डीएम्स. मैं ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम बन गया था. अभी इंस्टाग्राम और मुझ में सिर्फ एक ही फर्क है कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट प्राइवेट कर सकते हैं. अब जिस दिन मैंने ये फीचर अपने में लाया, उस दिन आइडेंटिटी और रेलेवेंस दोनों खो दूंगा. आइडेंटिटी और रेलेवेंस तो ऑलमोस्ट खोने वाला था मैं, खुद पे कंट्रोल ऑलरेडी खो दिया है मैंने. अब कैसा है, हर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन का ना अपना अपना एल्गोरिदम होता है. जैसा इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिदम है, फेसबुक का एक एल्गोरिदम है, यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, वैसा मेरा भी एक एल्गोरिदम है. फर्क बस इतना है कि लोगों को इंस्टाग्राम और यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ में नहीं आता, तो लोगों को एल्गोरिदम के हिसाब से चलना पड़ता है. लोगों ने मेरे एल्गोरिदम में पीएचडी करके रखी है, तो क्या ट्रेंड कराना है ये शेड्यूल करते हैं. अब ये कोई सुपर पावर से कम नहीं, ये सुपर पावर का लोग ऐसा यूज करते कुछ भी ट्रेंड करा देते हैं. यार क्या हुआ, हैशटैग जस्टिस फॉर नोबिता, ये ट्रेंड करा था यार एक बार. लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ना खमंड है, बहुत ज्यादा खमंड है कि मैं ना फेसबुक से दूर हूं. फेसबुक और मेरा कोई रिश्ता नहीं है. लेकिन ना आज ना मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि डोंट वरी, इवन इफ आई एम नॉट सेफ, योर डेटा इज सेफ विथ मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.